Good afternoon, students. Now, this today we are going to start the poem Moon. Okay? Now, this is Monica Miss. You know that, or everyone knows me? Yes? Okay. And today we are going to start the poem. Okay? The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall. What is the meaning of that? कि दैट द फेस ऑफ द मून, देखो जो मून का जो फेस है वो किसके जैसा दिखता है, क्लॉक के जैसा, जो कि हॉल में जो हमारे घर के हॉल में जो लटकी हुई होती है उसके जैसा मून का जो फेस है वो दिखता है. और वो जब शाइन करता है रात के टाइम, जब या चोर थीव्स आते हैं जब गार्डन में, तो वो हमको आसानी से दिख जाते हैं. ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर गेज and birdies asleep in the forks of trees. What does that mean by trees? यानी streets यानी रास्ते, fields यानी जो मैदान होते हैं वो, harbor यानी क्या, जो harbor gaze यानी जहाँ पर ships, boats जो रखी जाती है वो, और जो birdies होते हैं, जो birds होते हैं वो अपना घोंसला बना के वहाँ पर सोते हैं. Okay? Now, the squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house. That means जो उनकी आवाज़ें होती है, जैसे cat की आवाज़ होती है, mouse की आवाज़ें होती हैं, dog की होती हैं, वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हैं. The bat that lies in bed at noon, यानी जो bat होती है, bat यानी बताया आपको क्या होती है, चमगादड़. और जो चमगादड़ होती है वो जो होती है वो दिन के टाइम पे सोती है, और जब रात होती है तो उन लोग बाहर घूमने निकलते हैं. एंड ऑल लव टू बी आउट ऑफ द लाइट ऑफ द मून, जब वो लाइट, जब रात के टाइम जब निकलते हैं वो ये चांद की जो ब्यूटी होती है वो देखते हैं. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ अवर वे. बट देखो जो भी चीज़ होती है वो दिन के टाइम पे होती है, जो भी शोरगुल है, जो भी गाड़ियाँ चलती है, वो जो भी है, बट कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ अवर वे, यानी जब हम कडल मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ को पकड़ के सोना, स्लीप करना. ओके? हम लोग रात को जब सोते हैं, जब देखो बहुत से लोगों की आदत होती है ब्लैंकेट ओढ़ के या पिलो को पकड़ के सोते हैं. And flowers and children close to their eyes till up in the morning the sun shall rise. Okay, अब क्या बोल रहे हैं, जो flowers है, जो बच्चे हैं, वो रात को आंखें बंद करके सो जाते हैं. कब तक? जब तक जब sun नहीं उगता है, जब तक sun आता नहीं है sky में, सुबह नहीं होती है, तब तक जो है flowers और बच्चे जो है वो सोते रहते हैं, है ना? या हम लोग क्या करते हैं, जब हम रात को, जब हर कोई जो है वो रात को सोता रहता है, और वो जो मून की जो ब्यूटी होती है वो कोई भी देख नहीं पाता है, है ना? तो चलो वन मोर टाइम आई रिपीट दैट पोएम. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर गेज एंड बॉडीज अस्लीप इन द फोक्स ऑफ ट्रीज. द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीजिंग squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. But all the things that belongs to this day, cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. Now, today's date is, what is that today's date? Today's date is 21-12-2020. Okay? And your homework is, read that poem, learn that poem, and write down this poem in your notebook. Okay? Thank you, students. Listen carefully and learn also this poem. Okay?